श्रोताओं, आज का प्रसंग है भगवान श्री राम के दरबार में न्याय मांगता हुआ एक कुत्ता। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो श्रोताओं, हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री राम के दरबार में न्याय मांगता हुआ एक कुत्ता। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम की सभा लगी हुई थी और सभी उसके मंत्रीगण उस सभा में बैठे हुए थे। लेकिन जब अचानक से देखा कि एक कुत्ता बाहर खड़ा हुआ है और वह बार बार और जोर जोर से पुकार रहा है, तो उस कुत्ते की बात को वहां कोई नहीं समझ पाया। और कई बार तो उसको उसके जो नौकर थे, उसके जो बॉडीगार्ड थे, उनके द्वारा उसे भगा दिया गया। लेकिन कुत्ता दरबार में आता और बाहर खड़ा होकर के बार बार जोर से पुकारने लगता। जब कुत्ते की बात किसी मंत्री की समझ में नहीं आई तो स्वयं भगवान श्री राम उनकी बात को समझ गए। भगवान श्री राम तो स्वयं अंतर्यामी हैं और वो किसी की भी बात को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने उस कुत्ते के बारे में विचार किया कि ये कुत्ता दरबार में अंदर तो आ नहीं रहा है लेकिन बाहर से ही जोर जोर से पुकार रहा है। क्यों ना मैं चल के देखूं इस कुत्ते की क्या बात है और ये मुझसे क्या कहना चाहता है। तो श्रोताओं, वह कुत्ता जो दरबार पर खड़ा था भगवान श्री राम को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। जैसे ही भगवान श्री राम ने कुत्ते को देखा तो भगवान श्री राम वहां से चल करके स्वयं अपनी जो सभा थी उसके कॉर्नर तक आए और वहां कुत्ते से मिले। अब श्रोताओं, भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो हर किसी की बात समझ लेते हैं। अब कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप मेरा न्याय कीजिए। मेरे साथ एक बहुत ही गलत घटना घटित हुई है, क्या आप मेरा वास्तविक न्याय करेंगे? तो भगवान श्री राम बोले, बिल्कुल, मैं तेरा न्याय एकदम सही करूंगा। तू मुझसे क्या कहना चाहता है? क्योंकि चाणक्य नीति में कहा भी गया है, राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा धर्मात्मा होती है, पापी होने पर पापी होती है, सम होने पर सम होती है। प्रजा तो राज चरित्र का ही अनुसरण किया करती है, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा बन जाती है। और उसके बाद में कुत्ता बोला, प्रभु, एक सन्यासी था और सन्यासी के मैं पास गया तो उसने मेरी टांग तोड़ दी और मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप दूर बैठा हुआ था, फिर भी उसने एक पत्थर को उठाया और उठा करके मेरे ऊपर फेंक दिया जिससे मेरी टांग टूट गई। भगवान श्री राम ने दो सिपाही भेजे और उन सिपाहियों से कहा, जाओ, हमारे राज्य में ये सब कुछ गलत कैसे हो रहा है? आप उस सन्यासी को पकड़ कर लाओ। श्रोताओं, दो सिपाही गए और उस सन्यासी को पकड़ कर लेकर आ गए। भगवान श्री राम ने सन्यासियों से पूछा कि हे सन्यासियों, क्या बात है? हे सन्यासी, क्या बात है कि तूने इस कुत्ते की टांग तोड़ डाली? तो वह सन्यासी बोला कि हे प्रभु, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने पूरे दिन मेहनत की थी, मैंने पूरे दिन मांगा था और अब मैं भोजन करना चाहता था। उससे पहले ही ये कुत्ता आया और मेरी पोटली को सूंघने लगा और मैंने एक पत्थर को उठाया और इस पर फेंक दिया जिससे इसकी टांग टूट गई। श्रोताओ, भगवान श्री राम ने दोनों पक्षों की बात सुन ली और फिर कहा,
अरे सन्यासी, तू तो जानता ही है ये तो एक अज्ञानी प्राणी है, और आखिर भोजन की लालसा किसे नहीं होती। यदि किसी को भी भोजन दिखाई दे जाए तो वह भोजन को प्राप्त करना चाहता ही है, वह हर किसी भी कीमत में भोजन को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए इसमें कुत्ते का दोष नहीं कि आपकी पोटली को सूंघने लगा। अब आप कुत्ते के दोषी हो, आपको वो सजा दी जाएगी जो ये कुत्ता कहेगा। श्रोताओ, जब भगवान श्री राम ने ऐसा कहा तो कुत्ते ने कहा, हाँ प्रभु, आप मुझसे ही पूछ रहे हो तो मैं आपके लिए सजा बताता हूँ, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु होता है या मित्र होता है, अन्य प्राणी नहीं। वह तो मनुष्य का हित करना चाहते हैं, बल्कि ये दोष तो मनुष्यों में ही पाया जाता है जो कि उसका अहित करते हैं। इस सन्यासी के अंदर लोभ मोह मात्सर्य अहंकार सब कुछ बहुत अधिक भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस सन्यासी में सुधार आए। इसके लिए इसको किसी शिवालय या मंदिर में लगा दीजिए। श्रोताओ, जब ऐसा कुत्ते ने कहा तो भगवान श्री राम गदगद हो गए और बोले, ठीक है, आप जैसा दंड देना चाहते हो वो उचित है। और भगवान श्री राम ने उस सन्यासी को एक शिवालय सौंप दिया और उसे कह दिया, अब तुझे यहीं रहना है और कहीं नहीं जाना। तो श्रोताओ, अब वो सन्यासी भगवान शिव शंकर की पाठ पूजा में लग गया, भगवान शिव शंकर की पाठ पूजा करने लगा। और इधर बेचारा जो कुत्ता था वो भगवान के दर्शन पा करके मुक्ति पा गया, क्योंकि कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा था, प्रभु अब आप मुझे मुक्ति दीजिए, ये बहुत ही खराब योनि है, क्योंकि इस योनि में कुत्ते को मनुष्य पर निर्भर रहना पड़ता है और मनुष्य का कोई पता नहीं वह कुछ डाले या ना डाले, इसलिए आप मुझे मुक्ति दीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और इस प्रकार से भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को मुक्ति दे दी और कुत्ता स्वर्ग चला गया। इधर कुत्ते का तो देह छूट गई और वह नर्क और उस पाप योनि से मुक्त हो गया, लेकिन दूसरी तरफ वह सन्यासी के मन में लोभ जाग गया और वह वहां जो पैसा आता उसे इकट्ठा करता और ले जा करके अपनी कुटिया में दूर रख के आता। श्रोताओ, अब जब सन्यासी मरा तो वह पैसा उसके कोई काम नहीं आया और सन्यासी को अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिली, क्योंकि उसने कुत्ते को दंडित किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि न्याय जरूर होता है। वहां तो न्याय भगवान श्री राम ने किया, लेकिन न्याय प्रत्येक जगह पर होता है। इसलिए श्रोताओ, आप भी कभी किसी जानवर को नहीं सताएं और हो सके तो किसी बेसहारा जवान की आप सहारा बनें। इसी के साथ जय हिंद।